सभी को नमस्कार। तो आज हम वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं जिसमें हम इस तरह का पैटर्न बनाना सीखेंगे, ये बताया गया है। ठीक है, आज हम इस तरह का पैटर्न सीखेंगे। जैसे सबसे पहले हम नम इक्वल टू, जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने लिया था उसी तरीके से यहाँ पे नम इक्वल टू एक वेरिएबल लेंगे, ले लिया इक्वल। अब यहाँ पे हमें इंट फंक्शन लगाना होगा, इंट फंक्शन के बगल से कोष्टक, फिर इनपुट, इनपुट के बाद हमें डबल कॉमा, उसके बाद लिखना होगा इंटर द नंबर ऑफ रो, तो ये लिख लिया। इसके बगल से हम कॉलन लगा देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे हमने पहली वीडियो में भी आपको बताया था, आप नम की जगह दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं और इंट फंक्शन हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जो वैल्यू देंगे वो इंटीजर में अगर कन्वर्ट करनी है तो उसके लिए हमें इंट फंक्शन लगाना होगा। अगर हम इंट फंक्शन नहीं लगाएंगे तो वो वैल्यू स्ट्रिंग में शो होगी, इसलिए हम इंट फंक्शन लगाएंगे। और इनपुट जो फंक्शन है इसको इसलिए लगाना होगा क्योंकि हम जो वैल्यू होगी वो यूजर से इनपुट कराएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगाया। इंटर द नंबर ऑफ रो, मतलब वहाँ पर रो जो मांगेगा वो हमें रो देनी है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं जहाँ पे हम यूज करेंगे फोर लूप। ठीक है, तो फोर हमने पहली वीडियो में बताया था, आप यहाँ पे रो लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, जे, मतलब कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं फोर रो इन रेंज, जो हमने यहाँ पे रो इन रेंज लिया है तो वो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, इस जे वाला जो हमारा पैटर्न है वो उस पैटर्न के अपोजिट है जो फर्स्ट वीडियो बनाया था, इस तरीके का पैटर्न है। तो यहाँ पे अब हम जो रेंज लिखेंगे, रेंज में आएगा यहाँ पे जो नम दिया गया है वो नम की वैल्यू आएगी, नम। और हमें मालूम है रेंज में क्या होता है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो इंक्लूडिंग होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो एक्सक्लूडिंग होती है, इसलिए जो हम नम लिखेंगे यानी ये इंक्लूड होगा। इसके बाद हमने कॉमा लगाया और अब हम यहाँ पे लिखेंगे जीरो, और इसके जीरो लिखने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे। ऐसे मान लिया अगर हमने नम की वैल्यू 5 दी तो यहाँ पे 5 आएगा, 4 आएगा, 3, 2, 1, और जो लास्ट की वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती है, इसलिए हम बैक साइड में आ रहे हैं, इसलिए हम -1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब हम फिर से यहाँ पर फोर लूप लगाएंगे। फोर अभी हमने रो लिखा था जैसे, तो अब यहाँ पे हम कॉलम लिख सकते हैं या फिर हम रो की जगह आई लिख सकते हैं, यहाँ पे जे, यहाँ पर कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं। हम यहाँ पर कॉलम मान के चलते हैं फोर कॉलम इन रेंज, तो कॉलम की रेंज होगी उसे हम 0 से लेके और जो रो की वैल्यू होगी वहाँ तक कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो रो की लास्ट वैल्यू होगी वो इंक्लूड नहीं होगी और 0 से चलेगा 1, 2, 3, 0। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे फिर से कॉलन लगा दे रहे हैं। देन अब यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन, अगर हमें जो प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, तो प्रिंट, इसके बाद हमें कोष्टक, इसके लिए अगर आपको जो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना होगा, उसके बाद यदि आप यहाँ पे जो प्रिंट, अभी हम स्टार का पैटर्न बना रहे हैं स्टार से, तो हम यहाँ पे स्टार प्रिंट करेंगे। ठीक है, अगर आप स्टार आप प्रिंट नहीं करना चाहते और कोई सा स्टार की जगह कर सकते तो आप कोई सा भी यहाँ पे और कोई सा भी शेप ले सकते हैं। तो इसके बगल से अगर हम स्टार बनाएंगे तो हम यहाँ पे स्पेस भी लेंगे इनके पीछे, इसके लिए हमें एंड फंक्शन एंड लगाएंगे, एंड फंक्शन, देन कॉलन। अब यहाँ पे हम इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और स्पेस। ठीक है, अब इसके बाद जो हम प्रिंट फंक्शन लिखेंगे उसे खाली, बस प्रिंट और कोष्टक खाली, इस तरीके से। अब हम ये हमारा प्रोग्राम लिख चुका है, अब इसे हम रन कराते हैं, देखते हैं क्या इससे शो होता है। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है इंटर द नंबर ऑफ रो, मान लेते हैं हम इंटर नंबर करते हैं 5। ठीक है, हमने 5 रो लिए हैं, तो यहाँ पे देखो हमारा पैटर्न आ रहा है ना, हमने वहाँ पर स्पेस लिया, इस तरीके से स्पेस आया, तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। इसलिए यदि अब आप यहाँ पे थोड़ा हमारा ए स्पेस यहाँ पे हमने ज़्यादा लिया, इसलिए अगर आप थोड़ा कम स्पेस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेस से वो थोड़ा हो जा
यहाँ पे स्पेस कम कर दीजिए, उसके बाद आप रन कराना, क्योंकि ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसे रन कराइए तो देख सकते हैं, अगर हम नंबर ऑफ रो 5 करें तो इस तरीके से हमारा पैटर्न आ सकता है। तो इसका मतलब हमें जितना अगर स्पेस दे रहे हैं तो हम स्पेस दे सकते हैं। अभी हमने जो फर्स्ट वाला रन कराया था वहाँ पे हमने स्पेस किया था स्टार के बीच में, इसलिए यहाँ पे जो रो की जो वैल्यू थी वो थोड़ा स्पेस में थी ज़्यादा। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।